दोस्तों, इस साल अगर आप एक नॉर्मल बजट पे मोस्टली यूज होने वाला बाइक अगर लेने का सोच रहे हो, कम्यूटर बाइक, तो दोस्तों हीरो ग्लैमर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इसमें बहुत सारा चेंजेस कर दिया है हीरो कंपनी ने, BS6 इंजन पे बहुत सारा सेंसर का इंस्टॉल कर दिया है जो कि बहुत फायदेमंद है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको रिव्यू दूंगा। और दोस्तों मेरा जो चैनल है इंडियन आइडेंटिटी, उसको प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ऐसे ही नया नया बाइक और स्कूटर का रिव्यू आप पाने के लिए। दोस्तों हीरो ग्लैमर 125C की अगर कलर टोन और ग्राफिक्स की बात करो दोस्तों, ये डबल कलर टोन पे आपको देखने को मिलता है और पांचों की पांचों कलर ऑप्शन आपको शोरूम पे दोस्तों देखने को मिल जाता है। मुझे स्पेशली ये कलर बहुत अच्छा लगा, तो जो 3D ग्राफिक्स है दोस्तों वो बाइक का लुक को तो ज्यादा एनहांसमेंट दे रहा है। मेरे हिसाब से ये कलर बहुत ही बेस्ट है। तो ग्लैमर 125C की अगर सामने की तरफ हेडलैम्प की बात करो तो दोस्तों उसमें 3D लोगो लगाया गया है कंपनी की तरफ से, उसकी वजह से दोस्तों जो लुकिंग का एनहांसमेंट हमको देखने को मिलता है। और दोस्तों जो का यूज किया गया है नॉर्मल हैलोजन बल्ब का यूज किया गया है, लेकिन उसका जो विजिबिलिटी है नाइट के टाइम पे दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी BS4 के हिसाब से वो प्रॉब्लम खत्म हो गया है अभी दोस्तों, और ये 12 वोल्ट 35 वाट का हैलोजन बल्ब हमको देखने को मिल जाता है दोस्तों। हीरो ग्लैमर 125cc की इस बाइक की अगर चारों की चारों इंडिकेटर लैंप और टेल लैंप के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों चारों की चारों इंडिकेटर लैंप जो है वो नॉर्मल बल्ब का यूज किया है, कोई भी LED बल्ब का यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो विजिबिलिटी हमको नाइट के टाइम पे मिल जाता है वो काफी सही दोस्तों देखने को मिल जाए, उसका विजिबिलिटी काफी हद तक दोस्तों अच्छा है। और पीछे की साइड दोस्तों हम लोग देखे तो इसका जो रियर फेंडर है उसका जो लुकिंग है वो बहुत ही एनहांसमेंट लग रहा है, पीछे की साइड से बहुत ही शानदार दिख रहा है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज मेरा चैनल जो है इंडियन आइडेंटिटी, इसको सब्सक्राइब करते हुए चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या और नया नया चेंजेस हमको देखने को मिल जाता है, इसका इंजिन में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल जाता है और भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाता है, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और दोस्तों एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए दोस्तों आपकी तरफ से। 125cc सेगमेंट का इस इकोनॉमी क्लास कम्यूटर बाइक की अगर पीछे की साइड जो टेल लैंप या स्टॉप लैंप लगाया गया है दोस्तों, उसके बारे में आपको बोलूं तो दोस्तों वो पहली बात तो और भी ब्राइटर बनाने के लिए कंपनी ने LED बल्ब का यूज है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और जिसकी वजह से जो दोस्तों नाइट पे विजिबिलिटी और भी एनहांसमेंट हो गया है पहले से। और दोस्तों इस LED जो लैंप का यूज किया है ये सिग्नेचर H पैटर्न के LED लेंस के साथ इंस्टॉल किया है कंपनी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, नाइट के टाइम पे ये विजिबिलिटी दोस्तों काफी सही दे देता है हम लोगों को। दोस्तों ग्लैमर 125cc की अगर मीटर कंसोल के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों पहली बात तो ये आपको DG एनालॉग यानी कि कॉम्बो मीटर सिस्टम में देखने को मिलता है, जो आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा खासा लुकिंग प्रोवाइड कर रहा है मीटर पैनल में। उसी के साथ साथ दोस्तों इस मीटर पैनल पे आपको सभी चीज का इंडिकेशन दोस्तों मिल जाता है, FI इंडिकेशन, I3S इंडिकेशन, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर लैंप, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये सब आपको देखने को दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों ग्लैमर 125cc में कोई भी आपको इंजन किल का स्विच नहीं मिलेगा, उसके बदले में दोस्तों आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप यानी कि एक्सेंस I3S टेक्नोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का ये बटन है, उसी के साथ साथ दोस्तों लेफ्ट साइड में इसका आपको हाई बीम लो बीम पास स्विच, टर्न इंडिकेटर लैंप का स्विच भी दोस्तों देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ हॉर्न का स्विच बटन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों सस्पेंसर जो है वो हर बाइक पे एक एसेंशियल पार्ट होता है, तो दोस्तों उसके हिसाब से इस ग्लैमर 125cc की बाइक पे जो सामने की तरफ सस्पेंसर आपको देखने को मिलता है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंसर देखने को मिलता है, जो पहले से ज्यादा लॉन्गर है यानी कि 120mm का ट्रैवल सस्पेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों काफी हद तक शॉक ऑब्जर्व कर लेगा, राइडिंग कंफर्ट भी दोस्तों आपको मिलने वाला है इस सस्पेंसर होने की वजह से दोस्तों, तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सस्पेंसर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा इस बाइक पे। दोस्तों के हिसाब से दोस्तों बाइक में जो रियर सस्पेंसर यानी कि पीछे का जो सस्पेंसर लगाया गया है उसके बारे में आपको बोलूं तो वो आप 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर आपको देखने को मिलेगा, आप अपने हिसाब से इसको 5-स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हो। 81mm का दोस्तों आपको रियर सस्पेंसर इस बाइक पे देखने को दोस्तों मिल जाता है। सेफ्टी यानी कि ब्रेक, अगर दोस्तों इस 125cc ग्लैमर का ब्रेकिंग सिस्टम की बात करो तो दोस्तों ये पहली बात तो IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम में आता है, और डिस और डम ये दोनों वेरिएंट पे आपको शोरूम पे मिल जाएगा, दोनों का प्राइस का जो अंतर है वो ज्यादा दोस्तों आपको पेट करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक लगाया गया 130mm का है, और डिस ब्रेक जो है 240mm का डिस ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से बाइक का जो सेफ्टी है वो भी दोस्तों और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल जाता है। व्हील बेस और टायर की बात करते हो दोस्तों, हीरो ग्लैमर 125cc में आपको 1273mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो स्प्लिट डिजाइन LA व्हील, मतलब कि पहले से जो दोस्तों जो इसका व्हील का डिजाइन है वो चेंज कर दिया है, स्प्लिट डिजाइन में आ गया है और काफी लुकिंग में दोस्तों एनहांसमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका जो टायर है वो दोनों टायर दोस्तों ट्यूबलेस आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसका जो फ्रंट टायर लगाया गया है वो 80x118 इंच का फ्रंट टायर आपको देखने को मिलता है। उसके हिसाब से दोस्तों इसका जो पीछे का रियर टायर है दोस्तों
तो वो 100/80 वो भी 18 इंच मतलब कि काफी अच्छा स्टैंडर्ड साइज का टायर हमको देखने को मिल जाता है। स्कीडिंग प्रॉब्लम भी दोस्तों आपको नहीं आने वाला है क्योंकि कंपनी ने दोस्तों इसमें IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का इंस्टॉल किया है दोस्तों। और एक चीज जो है, आप अगर ड्रम ब्रेक लेते हो तो दोस्तों उसको अपने हाथों से अपने हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम को आप एडजस्ट कर सकते हो, इसके लिए दोस्तों कोई आपको मैकेनिक का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों फ्यूल टैंक डिजाइन और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, इसमें आपको पहली बात तो पूरा का पूरा मस्कुलर डिजाइन फ्यूल टैंक देखने को मिलता है दोस्तों, और इसमें 10 लीटर का आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। उसी के साथ साथ ग्लैमर 125cc का सीटिंग कैपेसिटी और सीटिंग कंफर्ट के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, ये पहली बात तो बहुत ही सॉफ्ट पैडेड सीट आपको देखने को मिल जाता है जो राइड कंफर्ट भी है दोस्तों। और अगर आप एक फैमिली वाला आदमी है तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद होने वाला है क्योंकि इसका जो सीट है वो पहले से दोस्तों कुछ mm तक बड़ा कर दिया कंपनी ने BS6 MSN में दोस्तों। बाइक का दोस्तों एग्जॉस्ट मफलर के बारे में आपको बताऊं, उसकी डिजाइनिंग के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों पहली बात तो एक नया एडिशन जो है कैटलेटिक कन्वर्टर, जिसकी वजह से दोस्तों पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम होने वाला है, एनवायरमेंट के लिए एकदम सही है दोस्तों। और उसके चलते दोस्तों जो बाइक का जो इंजन का साउंड जो है वो भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल जाता है इस कैटलेटिक कन्वर्टर होने की वजह से दोस्तों। नेक्स्ट जिसके बारे में बोलूंगा वो है बाइक का फ्रेम। जी हाँ दोस्तों, ग्लैमर 125cc का जो फ्रेम लगाया गया है वो डायमंड टाइप जिसे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फ्रेम है और दोस्तों बैलेंस्ड भी है दोस्तों। राइड कंफर्ट तो दोस्तों आपको देगा ही देगा ये फ्रेम, और दोस्तों ये लॉन्गजेविटी के मामले में भी बहुत सही है डायमंड फ्रेम होने की वजह से दोस्तों। बाइक का जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें भी दोस्तों हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है दोस्तों। BS6 MSN में जो दोस्तों सबसे बड़ी चेंजेस है इंजन, उसके बारे में अगर आपको बताओ तो हीरो ग्लैमर 125cc का ये बाइक है FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काम करता है, एयर कूल फोर स्ट्रोक दोस्तों सिंगल सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है, 124.7cc का इस इंजन पे आपको मैक्सिमम पावर जो है आपको 8 kW 10.73 HP और 7500 RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क पावर जो है आपको 10.6 Nm और 6000 RPM का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है दोस्तों। 5 की 5 मैनुअल गियर आपको देखने को मिल जाएगा, वेट मल्टीप्लेट क्लास सिस्टम और ऑटो सील टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया है, हीरो का तरफ से एक्सेंस टेक्नोलॉजी भी इसको आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाइक का वेट की बात करते हैं दोस्तों, 122 kg से 123 kg के आसपास इसका वेट आपको देखने को मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। हीरो ग्लैमर 125cc का कौन सा कलर आपको अच्छा लगा और कौन सा चीज आपको अच्छा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बोला दोस्तों। और प्लीज दोस्तों मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों अपडेट प्राइस जानने के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके बाइक का दाम कितना है आपके उधर आप जान सकते हो दोस्तों। एंड स्क्रीन पे भी दोस्तों आ रहा होगा मेरा रेड कलर और ब्लू कलर का रिव्यू, तो दोस्तों प्लीज जाके वो दोनों भी आप चेक करो। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।